हम सफर से निकलेगा ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का काटा अब हम ही से निकलेगा। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइफ इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज सुबह से कोयलांचल में काफी गहमा गहमी थी। 60-40 नियोजन नीति को लेकर हाहाकार तो मचा हुआ है, लेकिन धनबाद सांसद पीएन सिंह ने जो छात्रों के साथ आज धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार किया है, उससे छात्र काफी आहत है और मांग है पीएम सिंह माफी मांगो। बाहरी सांसद नाय चल तो 60-40 नाय चल तो आखिर झारखंड में चलेगा क्या? और आज सुबह से कैसे किस तरह से घटना घटी, सारी जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ हैं चंद्रमोहन जी, चलिए उनसे जानती हूँ। शुरुआत कैसे हुई चंद्रमोहन जी? देखिए, आज सुबह हम लोग गए थे सांसद महोदय के पास, लेकिन वहाँ समर्थन लेने के लिए 60-40 नीति के लिए, क्योंकि देखते हैं उन लोग का विधायक जो है, पार्टी का विधायक, वो वहाँ विधानसभा में बोलते हैं कि 60-40 नीति ना चल तो, लेकिन उन्हीं का समर्थन देने के लिए हम लोग जब सांसद महोदय के पास गए तो एक तो 8 बजे से बैठा दिया, 11 बजे तक, 11 बजे भी बोला हम लोग नहीं कर पाएंगे, पार्टी से बांधा हुआ है। लेकिन हम लोग बोले आप लोग हमला अपना प्रतिनिधि है तो आप बताइए, तो बोला नहीं अभी हम कुछ नहीं कर सकते। उल्टा उनका जो वहाँ बैठे हुए थे, पता नहीं कौन दलाल है ना क्या है, हम लोग के साथ मारपीट किया, धक्का मुक्की भी करके बाहर निकाल दिया हम लोग को। तब से हम लोग यहाँ आ गए और उनका आज यहाँ पुतला दहन किया। ऐसा करने का क्या कारण है, छात्रों के साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं? उससे छात्र क्या कर रहे हैं पता नहीं, वो खुद बोल रहा है सांसद महोदय कि हमारे लड़का ये तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरी नहीं करेगा। ये लोग बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ता है, बड़ा बड़ा कॉलेज में पढ़ता है, हम लोग को तृतीय और चतुर्थ वर्ग का 60-40 इस सब से कोई मतलब है नहीं है, तो फिर वो क्यों करेगा हम लोग झारखंडी स्टूडेंट के साथ? समर्थन नहीं मिला, नहीं मिला समर्थन। आगे की क्या रणनीति? आगे का हम लोग का रणनीति है कि जैसे सांसद महोदय इसको बोल दे रहे हैं कि हम लोग किसी को घुसने नहीं देंगे गाँव में, तो 24 में आप लोग सबक सिखाने वाले हैं? सबक सिखाने वाले हैं एकदम, 24 में एकदम सिखा देंगे, 24 को 2024 में वो संसद नहीं बनेगा। चलिए, आप सुन रहे हैं, ये गुस्सा है। कोयलांचल में रणधीर वर्मा चौक के पास तुरंत थोड़ी देर पहले पुतला दहन हुआ है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हूँ आज क्या क्या हुआ है और क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूदेव महतो। एक सवाल, 60-40 नाय चल तो फिर झारखंड में चलेगा क्या? साल झारखंड में 60-40 नाय चल तो जी, तो चल तो 95-5 चल तो 95-5 हाँ 95-5 चल तो जी, एकर से कम सुनवाई ना हो जी। काहे कि हम झारखंड के आदमी लगियो, हम प्योर झारखंडी लगियो, हमर बाप दादा बरसों से 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी ओकर से ज़्यादा पीढ़ी से रह के आले, तो झारखंड जब अलग हेले तो झारखंड में हमर अधिकार होना चाहिए ना, कि कोई बाहर से चील झपट्टा मारे आवो है और झपट्टा मार के यहीं बैठ के हमर खनमा खाते, तो हम सहन करने वाला ना ही हो। अच्छा, एक चीज बताइएगा, आप लोग समर्थन के लिए गए थे उनके पास, लेकिन बदले में नतीजा इस तरह दुर्व्यवहार मिला, तो सांसद महोदय के हम जरूर सबक सिखाएंगे। अब गांव गांव में हम जन जागरण करबे कि देख बाबू, ये जो सांसद हमने के बैठल हो, हमने के खातिर ना बैठल हो, ये अपन खातिर बैठल हो। एकर लड़का बच्चा पढ़ा है DPS में, डिनोबली में, एकर लड़का बच्चा जाए के पढ़ा है JNU में, अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, हमने के बच्चा पढ़ा है गांव भर के स्कूल में। जब ये सब के स्थिति अच्छा ना होते, हमने के नौकरी चाकरी ना होते, तो हमने के स्थिति कैसे सुधरती? तो कि हमने गड्ढा में ढुकले रहिए कि हम ना उठिए ऊपर जी। अच्छा, पीएम सिंह अगर आप लोगों से माफी मांगेंगे तो क्या माफ कर देंगे झारखंड के छात्र? माफी तो तभी मांगेंगे मैडम जब 95-5 का नीति लागू करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे जी। 95-5 हम पक्ष और विपक्ष पार्टी दोनों से आग्रह करते हैं कि झारखंडी हित में वो नियम नीति बनाए और हमारे जो खतियानी लोग हैं उनको फायदा पहुँचाए, तभी उनको हम नमन करेंगे, अन्यथा इनको हम 2024 में बायकॉट करेंगे। और 2024 में जो 60-40 नियोजन नीति के विरोध में हम लोग समर्थन मांगने के लिए गए थे, जो विधायक सांसद समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनका भी हम लोग बैंड बजा के छोड़ेंगे। बैंड बजेगा? एकदम बजेगा, एकदम बजा के रहेंगे। सारे बाहरी अपने अपने इलाके में पहुंच जाएंगे? हाँ, पहुंच जाएंगे।
चलिए एक चीज और बताइएगा, जो युवा झारखंड के 60-40 मुद्दे पर जाग नहीं पाए हैं उनको क्या कहना है? उनको जगाने का काम हम जैसे युवाओं का है, जिम्मेदारी हम अपने कंधों पर लेके चले हुए हैं और इसको हासिल करके रहेंगे। सर आपको कुछ कहना है? आप देख रहे हैं कोयलांचल में आज किस तरह गहमा गहमी हुई। उम्मीद थी कि सांसद साहब का समर्थन मिलेगा, लेकिन घोर निराशा आप देख पा रहे हैं। और लाइव इंडियन गार्ड लगातार 60-40 नए चलतों पर आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर आ रहा है। एक एक झारखंडी युवा की आवाज हम आप सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे आपके अपने पसंदीदा चैनल लाइव इंडियन गार्ड के साथ।